और साथ में ये मेरा सेशन यूट्यूब पे भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो प्लीज अपना माइक्स को म्यूट कर ले ताकि बैकग्राउंड का शोर जो है यूट्यूब पे टेलीकास्ट ना हो। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे चार्ट्स को। चार्ट्स, ग्राफ्स, बहुत सारे इसके नाम है। इसके बारे में आपने अगर स्कूल में स्टैटिक्स, जो सांख्यिकी हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में स्टैटिक्स कहते हैं, वो पढ़ा होगा, नाइन्थ टेंथ और बीकॉम के सेक्शन में थे, और मुझे लग रहा है कि नाइन्थ तो आपने किया ही होगा, तो पढ़ा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चार्ट्स का यूज क्यों होता है और क्या इसका बेनिफिट है मोरल ऑफ, उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो चार्ट का यूज जो है काफी समय से हो रहा है, आज से नहीं, काफी दिनों से इसका इस्तेमाल होता है। चार्ट का, अगर मैं बोलूं कि एक लाइन में कि चार्ट का यूज होता है इजीली कंपेयर करने, अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जैसे मैंने मंथ लिखा और यहां पे मान लीजिए मैंने सेल्स दे दिया और यहां पे मैं अपने जो जैन फेब मार्च का कुछ दे देता हूं मैं। अब मैं यहां पे छोटा फिगर डालता हूं, छोटा फिगर। अब इसमें चार्ट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इजिली कंपेयर कर रहे हो कि सबसे हाईएस्ट सेल जो है आपका फरवरी में है और सबसे लोवेस्ट सेल जो है आपका वो आपका अप्रैल में है। ठीक है, लेकिन यही नंबर अरबों करोड़ों में हो जाए तो यहां पे जो हमारा फिगर्स जो अगर अरबों में हो जाए, करोड़ों में हो जाए, तो दिक्कत होने की चांसेस है। जैसे कि यहां पे हमने कुछ नंबर्स अनकाउंटेबल दे दिए। अब थोड़ा सा इसको आपस में कंपेयर करने के लिए, कोई हाईएस्ट है कोई लोएस्ट है, दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्या बोले रजनीकांत जी? तो पहले जब पुराने जमाने में जब हमारे रूलर्स जो राजा महाराजा होते थे, उनके जो गणितज्ञ होते थे, उनको अगर गणित गणित सिखाने के लग गए, मैथ सिखाने लग गए, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी समझाने में कि क्यों ज्यादा हुआ, कौन कम हुआ। तो वो लोग क्या है कि ग्राफ की मदद लेते थे कि इसको सिलेक्ट किया और उन्होंने ग्राफ बना दिया और सिंपल से बताया कि जिसकी लाइन सबसे बड़ी है वो सबसे ज्यादा है और जिसकी लाइन सबसे छोटी है वो सबसे कम है। अब खुद ही इमेजिन कीजिए कि हमारा फिगर भी हमारे सामने है और हमारा ग्राफ हमारे सामने। फिगर में हमें पता करना हो कि कौन सा महीना सबसे ज्यादा सेल हुआ है, तो हमें दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा। समटाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे, समटाइम हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट चार्ट में आप इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हो। दिस इज द बेसिक यूज ऑफ द चार्ट। चार्ट किसी भी चार्ट को किसी भी डेटा पे किसी भी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक ही यूज होता है, कंपेयर ऑफ द डेटा। आवाज समझ में सर, रजनीकांत जी और बाकी लोग जो हैं? यस सर, यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ सर, क्लियर। अब इसमें अगला टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, चार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो अगर आप अपने इंसर्ट मेनू बार में एक्सेल, चाहे जो भी एक्सेल आपका है, या तो लेटेस्ट है, यहाँ आएंगे तो चार्ट का एक सेक्शन है जिसमें आपके अलग अलग चार्ट्स। सबसे पहला अगर हम चार्ट की बात करें तो हमारे पास रिकमेंडेड चार्ट है। शायद आपको पिवट पे मैंने पढ़ाया था रिकमेंडेड पिवट टेबल,
तो ये क्या करता था कि आपके डेटा को एनालाइज करके एक पिवट टेबल, कई सारे पिवट्स को शो करता था। तो रिकमेंडेड चार्ट का इस्तेमाल भी कुछ उसी तरह से होता है कि आपके डेटा को देख के अपने तरह से कई सारे चार्ट्स वो बताता है। अब आपकी रिक्वायरमेंट में कौन सा चार्ट फिट बैठ रहा है उस चार्ट को सेलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दीजिए। समझ गए? इसके अलावा और भी चार्ट की अलग अलग कैटेगरी है, हर कैटेगरी का काम कंपेयर करना ही है, लेकिन यूज ऑफ डेटा एंड सिचुएशन के हिसाब से डिजाइन करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट की दो कैटेगरी है, 2D कॉलम एंड 3D कॉलम। तो ये आपका अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपका चार्ट बनाता है। अगर सिंगल लेजेंड है, लेजेंड ज्यादा है तो इसका इस्तेमाल होता है। ये 100% कंपेयरिंग के लिए होता है। इन दोनों पर हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिर उसी तरह से अगर 3D में आते हैं तो 3D दिखाता है, और उसी तरह से आपका ये बार है तो बार 2D में और यहाँ पे बार 3D में दिखाता है। तो कॉलम चार्ट में दो है, एक तो आपका लाइन मतलब कॉलम चार्ट है, दूसरा कॉलम बार चार्ट है, और 2D में और 3D में। 2D और 3D में डिफरेंस ग्राफिक्स का है और किसी चीज का नहीं है। सेम उसी तरीके से अगर आप लाइन चार्ट में, तो इसका जो कंपेयर होता है वो हमारी समराइजेशन की कंपेयर में इसका यूज करते हैं। अगर हम लाइन चार्ट की बात करें तो इसका इस्तेमाल होता है फ्लो में। जैसे मान लीजिए कि सेल्स फ्लो चल रहा है तो कैसे सेल्स डाउन अप हो रहा है, उसका इस्तेमाल देख सकते हैं आप। ज्यादातर आप देखते होंगे शेयर मार्केट वगैरह में, तो फ्लो फ्लो कंपेयरिंग के लिए हम लाइन चार्ट का ज्यादातर यूज करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि फ्लो में यूज हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मोड ऑफ डेटा क्या है। तो इसके भी दो पार्ट है, पहला ए हो गया, दूसरा ये स्टैक जैसे कॉलम में था, ये 100% है। इन दोनों का यूज बहुत कम होता है, न के बराबर। इसमें विदाउट पॉइंट्स है और इसमें आपको विद पॉइंट्स है। उसी तरह से हमारा 3D लाइन चार्ट है और ये हमारा एरिया चार्ट होता है। ये लाइन चार्ट की तरह होता है लेकिन लाइन नहीं, पूरा एरिया कवर करता है, और ये आपका 100% स्टैक एरिया होता है, और ये 3D में होता है। उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए तो इसको ट्री मैप चार्ट कहा जाता है। ट्री मैप चार्ट खेत करता दिखाता है कि किसका बड़ा खेत है, किसका छोटा खेत है। और उसी तरह से आपका सरफेस चार्ट होता है, अच्छा सनब्रश चार्ट सॉरी उसके अलावा आगे बढ़िए, इसमें आपके पास जो आता है हिस्टोग्राम चार्ट और ये आपका पैट्रो चार्ट। पैट्रो चार्ट का इस्तेमाल होता है कैसे सेल्स डाउन से अप जा रहा है परसेंटेज के हिसाब से, और कंट्रीब्यूशन परसेंटेज के साथ में लेके चलता है। और ये बॉक्स चार्ट होते हैं। तो उसके बाद ये हमारा होता है डॉट चार्ट, स्कैटर चार्ट बोलते हैं इसको। ये जब बहुत बड़ा डेटा होता है, बहुत ज्यादा डेटा होता है जहां पे लाइन कॉलम वगैरह देखना मुश्किल होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि ग्रीन डॉट रेड डॉट कितना ज्यादा डॉट है। जैसे आप लोग मैप में देखते होंगे कि ज्यादातर एक्समैन की फिल्म में कि भाई ग्रीन डॉट रेड अलग करता है न्यूट्रिशंस के, और ग्रीन होता है ह्यूमन का। तो उसी तरह से ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये दोनों फर्क यही है कि ये सिर्फ दिखाता है, ये लाइन भी साथ में बना, और ये लाइंस बनाता है डॉट नहीं बनाता, और इसका भी डॉट्स के साथ आता है, दोनों एक ही है, स्केटर चार्ट है। ये हमारा बबल चार्ट होता है, ये बबल्स बनाता है। तो इसका यूज इस डेटा पर नहीं, हर किसी के लिए डेटा अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग डेटा देना होता है। लेकिन मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ चार्ट, इसको बोलते हैं वाटरफॉल चार्ट। आपने नाम काफी सुना होगा वाटरफॉल चार्ट का। ये हमारा वाटरफॉल चार्ट होता है, ये हमारा स्टॉक मार्केट के लिए स्टॉक मार्केट का चार्ट होता है, इसके लिए इसका डेटा अलग चाहिए। और सरफेस चार्ट हमारा सरफेस चार्ट होता है, इसका भी उतना खास यूज नहीं है। रिडार चार्ट काफी ज्यादा डेटा हो, काफी ज्यादा पेचीदा हो, तो हम रिडार चार्ट का यूज करते हैं कि कौन किसके बाउंड्री से अप है, बाउंड्री से बाहर। उसके बाद ये आपका ये होता है कॉम्बो चार्ट, जब दो लाइन और कॉलम दोनों को या लाइन और एरिया दोनों को मिक्स करके लाया जाता है तो इसका होता है। और पिवट चार्ट तो आपने जब पढ़ा ही है पिवट टेबल पे,
पिवट चार्ट मतलब पिवट टेबल से कनेक्टेड होता है, बाकी चार्ट तो जो लगता है नॉर्मल वही होता है। ये 3D मैप्स जो आए हैं, लेकिन 3D मैप्स उतने बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग्स बना के देता है और काफी ज्यादा हैंग करता है और काफी ज्यादा दिक्कत होती है, इसका यूज हम लोग गिनती नहीं करते। ये चार्ट को ओवरव्यू, अब चलिए वन बाय वन चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चार्ट की फॉर्मेटिंग, जैसे कि चार्ट की फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपके सामने चार्ट दिख रहा है। जैसे चार्ट को सिलेक्ट करते हो ऊपर का आपको चार्ट टूल्स दिखता है, हेलो सॉरी सर मेरा मॉडेम रीस्टार्ट हो गया था। चलिए तो यहां पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारा डिजाइन और दूसरा हमारा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन के बारे में। डिजाइन में हमारे पास सबसे पहला ये आता है, वो आता है चार्ट स्टाइल, कि चार्ट को जो आपका चार्ट बना है इसको किस स्टाइल में आपको रखना है। अलग अलग स्टाइल प्रीपेयर स्टाइल्स हैं, इसका इस्तेमाल करके आप अपना चार्ट को क्विकली फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, क्विकली फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर आती है चेंज कलर कोड, डिफॉल्ट कलर चेंज करने का, डिफॉल्ट कलर क्या क्या होना चाहिए, किस किस लाइन के लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लेआउट्स। क्विक लेआउट्स में क्या होता है कि चार्ट अभी ऐसा दिख रहा है जिसमें हमारा टाइटल है और नीचे समरी है। लेआउट्स में आपको ये होता है कि आप इस तरह से चार्ट को दिखाना चाहते हो या इस तरह से दिखाना चाहते हो। तो ये लेआउट्स है जो कि आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग लेआउट्स है। ये आपका देखिए डेटा और चार्ट दोनों आता है, लेआउट 5 या लेआउट 6 हो गया 7। तो ये लेआउट्स आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें तीन चीजें हुई, पहला आपका लेआउट्स, कलर एंड डिजाइन। अब बात करते हैं चार्ट एलिमेंट की। चार्ट एलिमेंट में सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ट को सिलेक्ट करते हैं, एलिमेंट यहां से भी होता है और यहां से भी होता है। तो जब चार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे तीन चीज दिखता है, पहला दिखता है चार्ट एलिमेंट्स, दूसरा दिखता है चार्ट स्टाइल और तीसरा दिखता है फिल्टर। तो हम फिल्टर से शुरुआत करते हैं। जैसे कि मेरा डेटा जैन से लेकर जुलाई तक है, मैं इसमें मार्च और अप्रैल को नहीं शो करना चाहता हूं, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं यहां से मार्च और अप्रैल को अनचेक कर दूंगा और अप्लाई करूंगा तो इसमें से हट जाएगी। मतलब मुझे डेटा हटाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम पिवट पे फिल्टर लगाते हैं ऐसे हम यहां भी फिल्टर लगा सकते हैं। समझ में आया रजनीकांत जी? यस सर, यस सर। तो फिल्टर, ये होगी फिल्टर की बात। अब दूसरा आता है यहां पे फॉर्मेट। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास चार्ट के कई सारे स्टाइल्स आते हैं जो कि हमने ऊपर देखे थे। हम ऊपर से भी चेंज कर सकते हैं और यहां से भी चेंज कर सकते हैं, और सेम कलर जैसे हमने ऊपर में किया था हम यहां भी कर सकते हैं, दोनों सेम है। अब बात करते हैं प्लस देखिए चार्ट एलिमेंट्स की। अब चार्ट एलिमेंट्स मतलब कि चार्ट में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि इसमें डाला हुआ एक्सिस, टाइटल, ग्रिड लाइन एंड लेजेंड्स। जैसे ग्रिड लाइन जैसे मतलब कि साइड में जो ग्रिड लाइन दिख रहा है ना आपको, लाइनिंग आप चाहते नहीं दो तो आप इसको अनचेक कर दीजिए तो लाइनिंग हट जाएगा। आप चाहते डेटा लेवल, डेटा लेवल जो फिगर है इसके ऊपर आ जाए तो यहां से आप डेटा लेवल इस्तेमाल कर रहे तो डेटा लेवल आपको दिख जाएगा। आप चाहते कि डेटा लेवल ना हो, डेटा टेबल हो तो आप डेटा टेबल कर दीजिए यहां। तो चार्ट एलिमेंट्स में आप अपने अपने चार्ट को चेंज कर सकते हैं। तो चार्ट एलिमेंट, फॉर्मेटिंग एंड फिल्टर, तीनों आपको समझ में आ गया?
बिल्कुल सर। आगे बढ़े इसमें। हाँ सर बोल। अब इसमें हमने जो बनाया इस चार्ट की जो फॉर्मेटिंग हमने बनाया, ये फॉर्मेट तो प्री डिफाइंड था। अब बात करते हैं खुद से चार्ट की फॉर्मेटिंग बनाने कि अगर, क्योंकि ये चीज तो आप अप्लाई कर लोगे लेकिन अगर वीवीए के साथ एक्सेस करना है आपको चार्ट को, तो खुद से चार्ट पे सारे फॉर्मेटिंग और फिल्टर्स लगाने आने चाहिए, तभी तो आप उसका कोड लिखेंगे। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले चार्ट की आर्किटेक्चर को समझिए कि चार्ट का आर्किटेक्चर क्या है। सबसे पहले चार्ट का आर्किटेक्चर तीन पार्ट में बटा है। पहला पार्ट है चार्ट एरिया, जिसमें पूरा चार्ट है, जो ये दिख रहे हो चार्ट एरिया है, जिसको हम जमीन कह सकते हैं। फिर दूसरा आता है प्लॉट एरिया, जिसपे हमारा ये सीरीज बनेगा। और तीसरा आता है सीरीज, और ये आपका आता है वर्टिकल एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आपका होता है वर्टिकल एक्सिस, ये आपका टाइटल है। तो हर किसी को आप अपने अपने तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं चार्ट एरिया की, मैं राइट क्लिक किया और फॉर्मेट चार्ट एरिया। अब चार्ट एरिया के तीन ऑप्शन है, पहला फिल एंड बॉर्डर, दूसरा आपका आता है साइड ऑफ ग्रो एंड जो होता है थ्री फॉर्मेट, और चौथा आपका आता है टेक्स्ट ऑप्शन, जिसपे साइज प्रॉपर्टीज ऑल टेक्स्ट। हम पहले फिल से डिस्कस करते हैं। फिल में यहां देखिए, यहां पे नो फिल मतलब कुछ फिल नहीं होगा, तो पीछे का जो बैकग्राउंड एरिया होगा वो आपको दिख जाएगा, चाहे कलर्ड हो या ब्लैंक हो या टेक्स्ट कुछ भी। सॉलिड फिल करते हैं तो कोई एक सॉलिड कलर यहाँ डाल सकते हैं, मतलब कोई भी एक कलर जो आप चूज करो वो कलर को आप यहां डाल सकते हैं। और उसकी ट्रांसपेरेंसी मतलब कि पीछे का एरिया कितना दिखे, ट्रांसपेरेंसी तो समझते हैं ना सर, गाड़ी के विंडो पे होता है जब ब्लैक फिल्म चलवाते हैं तो वही ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए यू कैन सिलेक्ट इट। या फिर आप करते हैं ग्रेडिएंट फिल, मतलब इसमें दो कलर का कंपेयरिंग करके आप यहां दे सकते हो कि भाई डायरेक्शन का कलर क्या होना चाहिए और इसका इसका स्टाइल क्या होना चाहिए, आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। और टाइप में रेक्टेंगल है और फिर इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से दिखेगा। ये जो थोड़ा सा आर्टिफिस है, थोड़ा सा मतलब कि इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्या कलर यू कैन सेलेक्ट है कि कलर कैसा होना चाहिए, ठीक है। और उसकी पोजीशन, ट्रांसपेरेंसी, ब्राइटनेस आप यहां से सिलेक्ट कर सकते। उसके बाद अगर हम पिक्चर्स पे आए कि मैं बैकग्राउंड में कोई पिक्चर्स डालना चाहता हूं, तो भी फोटोग्राफ वगैरह, तो दो चीजें हैं। एक तो कोई पर्टिकुलर अगर डेस्कटॉप या किसी ऐसे लोकेशन में पड़ा हुआ है तो फाइल पे क्लिक करके आप उसको सेट कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और मान लीजिए कि मैंने इसको ले लिया, अब ये थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दीजिए, तो थोड़ा सा हल्का सा ये दिखेगा, जिससे आपका बाहर के एरिया जो आपका जो लेजेंड्स है, जो जिससे जो आपका चार्ट का लाइनिंग वगैरह है वो इफेक्टेड नहीं होगा। अब कहीं वेबसाइट वगैरह से या किसी वगैरह से कॉपी करते हो तो आप क्लिप बोर्ड पे क्लिक कर लोगे, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन यहां से ले सकते हो। ऐसी पैटर्न फील और ऑटोमेटिक है, तो फिल्म में आप इस तरह से कर सकते हो। और बॉर्डर भी सेम, कि जो बाहरी बॉर्डर है वो कैसा होना चाहिए, उसी तरह से यहाँ पे इसकी जो शैडो क्या होना चाहिए, ग्लो साइड से करना चाहिए या साइड से कटना चाहिए या 3D में दिखना चाहिए, आप यहाँ इसका यूज कर सकते हो। दूसरा साइज, इसकी साइज क्या होनी चाहिए, इसका प्रॉपर्टीज, तो ये चीजें तो आप अपने खुद से ट्राई करोगे, खुद से देखोगे। और इसकी चेंज करने की जरूरत हमें लगता है कि हमेशा पड़ती है, शायद ही कभी रेयर केस में इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो फॉर्मेटिंग हमने चार्ट्स के लिए इसके लिए किया है, चार्ट एरिया के लिए किया है, सेम फॉर्मेटिंग आप इसको भी कर सकते हो प्लॉट एरिया के लिए, और सेम फॉर्मेटिंग आप सीरीज के लिए भी कर सकते हो।
अब चलिए ये तो चार्ट की बेसिक फॉर्मेटिंग और बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब चलिए चार्ट्स अलग अलग तरीके से हम चार्ट्स बनाते हैं और उस चार्ट्स पे हम छोटे छोटे ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें ऑफिशियल लाइफ में मदद करती है। जैसे सबसे पहला मैं यहां पे देता हूं, मैंने दे दिया मंथ, मंथ ही लीजिए और यहां पे सेल्स, और मैं छोटा सा डेटा बनाता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। यहां पे कंफ्यूजन होगा प्लीज आप लोग रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं, ऐसा ना हो कि शाम को या कल फोन करके बोलेंगे सर आपने बताया और समझ में नहीं आया, इसलिए रिपीट करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। और यहां पे मेरे पास टारगेट, उससे पहले टारगेट हम बाद में ऐड करते हैं, हमने सिलेक्ट करके मान लीजिए कि हमने चार्ट बना लिया, चार्ट बन गया। अब बात चला कि हमें टारगेट भी ऐड करना था, तो हमने यहाँ पे टारगेट टारगेट ऐड किया। अब टारगेट ऐड करने के बाद पता चला कि चार्ट में था ही नहीं, तो आपको दोबारा से इस पे चार्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब चार्ट को सिलेक्ट करके इसी को आप नीचे ड्रैग कर देंगे तो आपका चार्ट बच जाए। अब इसमें बारी आई कि इसमें दोनों मेरा कॉलम चार्ट है, मैं टारगेट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो टारगेट वाली जो लाइन कॉलम है उसको आप सेलेक्ट करें, उस पर राइट क्लिक करें और चेंज सीरीज चार्ट टाइप, चेंज सीरीज चार्ट टाइप इस पे आ जाए और कर्सर यहां पे कर्सर कॉलम को छोड़ के लाइन को सिलेक्ट कर लें, आपका लाइन चार्ट हो गया। तो दो तरह के चार्ट को इस तरह से चेंज करके आप लगा सकते हो। अब बात आती है कि मुझे बाद में मुझे पता ही है, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूं यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया कि मुझे पता ही है कि मुझे दो तरह का चार्ट लगाना है, तो मैं यहीं पे कॉम्बो चार्ट पे जाऊंगा और कॉम्बो चार्ट मुझे ये चाहिए या इस तरह के चाहिए या इस तरह का चाहिए, ठीक है, फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट। अब बात आती है इसमें कि मेरा चार्ट का जो प्रॉपर्टी मतलब जो मेरा टारगेट है ये पहले तो नंबर में है, लेकिन सम टाइम आपको अगर परसेंटेज में मिला तो 40% मिला। तो यहां पे एक दिक्कत देख रहे हैं ना कि आपका लाइन सबसे नीचे आ गया, तो रजनीकांत जी बताएंगे नीचे क्यों आया है। क्योंकि सर आपकी वैल्यू सारी एक है, नहीं उससे पर मान लीजिए मैं इसको अगर 35% कर दूं। सर ये सेकेंडरी एक्सेस है ना सर, सेकेंडरी एक्सेस की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसा हुआ क्यों मैं पूछा, पहली बार आप बताइए, आप बोलेंगे सर बार बार मुझे ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका नाम का सर फेमस नाम है इसलिए। बोलिए सर, क्योंकि ये परसेंटेज में है, वैल्यू जीरो के नीचे है। मैं बता रहा हूँ सर, जो सेल्स आप सही पकड़े हैं, लग रहा है धीरे धीरे कि आप हमारे स्टूडेंट हो रहे हैं। थैंक यू सर। अब यहाँ पे क्या है कि ये नंबर ये आपका है, तो क्या होता है कि नॉर्मल एक्सेल में से कि मैंने पहले बताया था कि 1 = 100%, समझे, तो ये 40 तो है दिख रहा है लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है 0.40, समझे, और इसलिए वो इस स्लैब के नीचे आ रहा है। तो जब आपके पास टू टाइप ऑफ द डेटा होगा तो आपको जरूरत पड़ेगी सेकेंडरी एक्सेस की। अब बात आती है सेकेंडरी एक्सेस की, जो कि कोई महाशय बोल रहे थे, मैं उनकी आवाज को नहीं पहचान पाया था। विकास आवाज से नाम पता नहीं पड़ता है, मुझे मीटर देखना होता है किसका वॉइस मीटर चल रहा है तो पता चलता है ये बोल रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे
कि सेकेंडरी एक्सेस की जरूरत पड़ती है तो उस केस में मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अब कभी कभी ये सिलेक्ट हो जाता है, अब कभी कभी सिलेक्ट नहीं भी होता है। तो सिलेक्ट नहीं हो तो आप इसके फॉर्मेट पे चले जाएं और यहां पे देखिए सीरीज टारगेट दिख रहा है ना, इसमें मैं सिलेक्ट करता हूं टारगेट को और दैट फॉर्मेट सिलेक्शन। और फॉर्मेट सिलेक्शन क्लिक करते ही यहां देखिए प्राइमरी एक्सिस और सेकेंडरी एक्सिस। तो क्या हुआ कि जो लाइन है इसके लिए मैंने ए एक्सिस दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग काउंट होगा और इसके लिए इधर काउंट। अब यहां पे छोटी सी प्रॉब्लम और आ गई है। क्या आ गई है? अब देखिए जैसे कि ए हुआ तो कुछ लोग ही देखेंगे कि भाई इधर 40% है, यहां पे 80 है, तो क्यों ना हम दोनों को इक्वल कर दें ताकि हमारा हम इधर से भी देख लें उधर से भी देख लें तो कोई फर्क ना पड़े। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं राइट क्लिक फॉर्मेट एक्सिस में, इसकी मिनिमम हमने 0 करते हैं ऑटो से और 90 के जगह पे 100 करते हैं और 10 का यूनिट है तो उसको दिक्कत नहीं है। और सेम हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये 0 इसको करते हैं और इसको 1 करते हैं क्योंकि 1 इक्वल टू 100% और 10 का मेजर इस पर भी देखते हैं। तो आप अच्छा समझ में आ रहा है सर? अब मेजर इसी की बात आती है जिसमें एक चीज और हम बात करना चाहेंगे, जैसे कि अब एक करोड़ों लाखों में है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना देखने में कि क्या है आखिर। तो इसके एक्सिस ऑप्शन में नीचे देखिए नंबर होता है, नंबर में यहां आप कस्टम फॉर्मेटिंग वाला कोड अप्लाई कर सकते हैं कि हैश कॉमा एंड इसको हमने ऐड कर दिया, इसमें के लगा दीजिए मतलब कि 1000 होता है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो हमने दूसरा तरीका क्या बताया था करोड़ के लिए 0.00 देन डबल कॉमा। आप सही रह रहा है? हेलो आप सही है। इस तरह से भी एक्सिस को चेंज करते हैं। तो ये ऑप्शन आ गया, अब हम अगला ऑप्शन की बात करते हैं। अब अगले ऑप्शन में मेरे पास क्या है कि बैंक्स है और इसके मंथली सेल्स है, यहां पे हम चलते हैं और यहां पे मंथ में मैं बैंक्स में IDBI एक्सिस HDFC यूको और भी बहुत सारे बैंक होंगे, फिलहाल छोड़िए इस पे इतना ही। कौन सा पैसा जमा करना है? मोदी सरकार ने आधार कार्ड से लिंक कर दिया, अब तो कई सारे बैंक में अकाउंट खोलने में डर लगता है कि इनकम टैक्स रेट हमारे घर पे ना बढ़ जाए। शादी से पहले पढ़ता तो बात ही था, अब शादी के बाद इनकम टैक्स रेट ले करूंगा क्या? सॉरी सर मजाक कर रहा था, बीच बीच में थोड़ा मजाक भी कर लेता हूं ताकि आप लोग सोए ना। अब चलिए मेरे पास ये डेटा है तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको इंसर्ट करके अगर मैं ए चार्ट लगाता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो जाता है ना मैच करने में। तो इस तरह से मैं एक काम और कर सकता हूं कि मैं ये चार्ट ना लगा के मैं इंसर्ट पे जाऊं और यहां पे हमें ये आ जाए स्टैक कॉलम। इससे क्या होगा कि एक ही लाइन चार्ट बनेगी, सॉरी कॉलम चार्ट एक ही बनेगा, उस कॉलम के उतने पार्ट्स, जैसे कि जैन फेब बाइक बना और एक बैंक हो गया, ये आपका IDBI बैंक है, ये आपका यूको बैंक है। अब तो समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस पे राइट क्लिक करें फॉर्म एड डेटा लेवल पे चले जाए, एड डेटा लेवल, अभी नंबर्स आया तो इसको वापस सेलेक्ट करके अब यहीं पे राइट क्लिक करके फॉर्म पे डेटा लेवल कर सकते हैं और यहां पे आप कर सकते हैं
कैटेगरी ने, कैटेगरी नहीं अश्री ने, ठीक है, तो आपका पता चलता रहेगा, ठीक है सर। लेकिन ये भी आपको सुटेबल नहीं है, तो इसके लिए अगला ऑप्शन जो अगला चार्ट का तरीका है वो आपको समझा रहा हूं। हम इंसर्ट करेंगे और हम इसी चार्ट को लेते हैं जो चार्ट हमने से पहले लिया, बस बड़ा करता हूं। अब इसमें क्या है कि मुझे मैच करना पड़ रहा है कि आईडीबीआई का कलर ब्लू है, इसका अलग अलग कलर है, और कलर तो है बहुत सारे कलर होते हैं, पता भी नहीं चलता कौन सा क्या कलर है। तो मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेबल ऐड करूंगा और इसी के ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेबल पे जाऊंगा और इसका सीरीज नेम ऐड करूंगा। फिर इसकी यहाँ अलाइनमेंट में आएंगे और इसकी अलाइनमेंट को हम यहां से चेंज करते हैं। सॉरी गलत हो गया, और फिर यहाँ पे सेंटर और मिडल सही है, टेक्स्ट डायरेक्शन था। वापस इस पे आते हैं, इसमें बताएगा आपको कि कहाँ रखना है, तो मैंने बोल दिया सेंटर मतलब बीच में। तो इससे ही पता चलेगा कि ये आईडीबीआई बैंक है, लेकिन ये अट्रैक्टिव नहीं हुआ। आप चाहते कि एक अट्रैक्टिव रिपोर्ट बने, देखते ही पता चले कि हाँ ये अच्छा रिपोर्ट अच्छा बना है, कौन सा बैंक का है वो इजीली पता चल जाए, एकदम इजीली। तो उस केस में मुझे गूगल बाबा की सहायता लेनी पड़ेगी। हम गूगल बाबा इसलिए बोलते हैं कि इनके पास सब चीज का ज्ञान है, और यहां पे जैसे कि कौन सा बैंक है, आईडीबीआई बैंक, चलिए आईडीबीआई बैंक, बैंक लोगो, इमेज पे जाते हैं तो हमें एक अच्छा इमेज मिल जाएगा, वर्टिकल इमेज, हाँ ये इमेज सही है, नीचे को लेते हैं और इसको राइट क्लिक करके मैं इसको कॉपी इमेज करता हूं और वापस मैं एक्सेल पे आता हूं और फिर मैं इस पर पेस्ट करता हूं। पेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि साइड से बहुत सा एरिया कटा हुआ है, ये जो लाइन आ रहा है ना, लाइन पूरा सटा होना चाहिए, वरना ए बी पीवर्ड के सीरीज में आ जाएगा, एक गलत इंडिकेट करेगा। तो मैं तो यहां पे इसको हम कॉप करते हैं, और इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको ठीक है, अब इसको यहां से हम रोटेट कर देते हैं इस तरह से, या इस तरह से, या सही है। अब मैं इसको कॉपी करता हूं और आईडीबीआई बैंक वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूं, राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज, और मैं इसके फिल पे आता हूं, सर हमें फील्ड में जाना है, हम बॉर्डर पे हैं सर अभी। पिक्चर्स
क्लिपबोर्ड, तो कॉपी कर रखा हूं इसलिए क्लिपबोर्ड, और इसकी ट्रांसपेरेंसी हम घटाते नहीं जस कर सकते, समझ गए सर? अब अच्छा दिख रहा है क्या सर? अब आप बोलेंगे ये तो चलो बैंक था तो आपने लोगो लगा लिया, प्रोडक्ट है तो फोटो लगा दूंगा। हेलो, अब बंदे का नाम है, अच्छा रजनीकांत जी का नाम होगा तो क्या रजनीकांत जी की फोटो लगानी पड़ेगी इसमें सर? हेलो, हाँ बोलिए सर, एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना प्लीज। मैं रिपीट कर रहा हूँ, चिंता मत कीजिए कि अगर फोटो अवेलेबल नहीं हुआ तो फोटो कैसे हो? तो फोटो जैसा ही अगला फीचर है हमारा यहाँ टेक्स्ट वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट में आएंगे और मैं नाम लिख देता हूं, जैसे अगला बैंक हमारा एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक को लिया और इसकी मैं बैकग्राउंड दे देता हूं, कोई भी दिया पड़ता है, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और पहले इसको पेस्ट एज ए पिक्चर करूंगा। पेस्ट ए पिक्चर करने का पर्पस क्या है कि देख रहे ब्लैंक बाहर के इतने सारे एरिया ब्लैंक है, इसको कॉपी करने के लिए ताकि एक्स्ट्रा एरिया ना रहे, जैसे कि हमने पिक्चर में किया, ठीक है। सेम पिक्चर, अब कॉपी एज ए पिक्चर करने के बाद सेम पिक्चर की तरह बिहेव करेगा ये, और जैसे पिक्चर में हमने इसको रोटेट किया था 90 डिग्री पे, वैसे हमने इसको रोटेट किया, उसके बाद जैसे पिक्चर को हमने कॉपी किया था ऐसे इसको हम कॉपी करेंगे और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज और इसी के फिल में पिक्चर और टेक्सचर्स में क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर, ठीक है, समझ में आया सर? हाँ सर, क्लियर हो गया। रिपीट करना है? नहीं सर नहीं, लेकिन ये चीजें एक मिनट सॉल्व कीजिएगा। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार, 11 बजे नहीं, क्यों कुछ खास है क्या? नहीं नहीं 11 बजे क्लास चली है, ठीक है मैं 11 बजे बात करता हूँ, समझ गया? हेलो, हाँ सर, हाँ सर। तो चार्ट जो होता है अपने हिसाब से आप उसको जितना ज्यादा फॉर्मेटिंग करें उतना ज्यादा आता है। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि चार्ट में बनाने होती है तो हमारे पास आइडिया नहीं आता है, क्या जैसे एक राइटर को कोई स्क्रिप्ट लिखनी हो और उसको आइडिया नहीं आता है तो क्या करता है, क्या करता है सर? रजनीकांत जी, रजनीकांत जी, वो कई सारे स्क्रिप्ट को, कई सारे पुराने फिल्मों के डायलॉग स्क्रिप्ट को पढ़ता है और पढ़ने के बाद उन सबको आपस में कंपेयर करके एक नया मतलब कॉपी कर लीजिए, कॉपी विथ रिमिक्स एक डायलॉग बना देता है। तो उसी तरह से जब आपको आइडिया ना आए तो आप चार्ट सर्च करें एक्सेल, इमेज में जाए और यहां पे कई सारे चार्ट को देखें और अपने डेटा अकॉर्डिंग फिट होने वाला चार्ट, अपने रिक्वायरमेंट में फिट होने चार्ट को समझ ले, आइडिया ले ले और चार्ट बना ले, क्या विकास जी मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं भी मैक्सिमम टाइम यही करता हूं। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा। अब बात करते हैं रजनीकांत जी की प्रॉब्लम पे जो उन्होंने मुझे मेल किया था।
अब चार्ट की जो अगली फीचर्स आती है वो फीचर्स आती है चार्ट्स के अंदर फॉर्मूला और ट्रिक्स का इस्तेमाल कर, लेकिन वो चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप उस और चार्ट पे काम करोगे। तो आप गूगल पे जाइए, चार्ट को सर्च कीजिए और मुझे गूगल पे बने इमेज पे बने हुए चार्ट की कम से कम 10 नकल करके मुझे भेजिए, तब जाके अगला जो टॉपिक है वो आपको समझना है। ठीक है विकास जी, जिनेश जी, गूगल इमेज पे चार्ट को सर्च कीजिए। ठीक है जी सर जी। चार्ट को सर्च करने के बाद उसमें से किन्हीं 8 या 10 चार्ट को सर्च कीजिए, और आप लोग तो सोचेंगे कि सिंपल चार्ट लें, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि सिंपल चार्ट ना लें। तो सिंपल तो आपको आता ही है, थोड़ा सा चार्ट लें जो बन जाए या आपको लग रहा है कि कुछ हद तक बना लूं मैं, ऐसे चार्ट को लें। अब बताइए रजनीकांत जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप इसमें जो प्रॉब्लम वाला सर पेज है जरा उसे पर क्लिक करिएगा। डाटा सर एक सैंपल ही भेजा हूं मैं सर। डाटा सपोजर सर इस फॉर्म में है, ए कॉलम में जो वैल्यूज हैं वो रिपीट हो रही हैं और उसके रिफरेंस में बी कॉलम में अलग अलग वैल्यू है, और ऐसे करके सर सो मेनी कॉलम्स हैं और ये मुझे कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स के डाटा उठाने हैं और ये लगभग 9 लाख समथिंग रो है सर इसमें, और उसको करना कैसे है सर? वो रिक्वायरमेंट में है कि जैसे जो ए कॉलम है उस पर यूनिक वैल्यू आ जाए सर, और उसके अगेंस्ट में वो वैल्यूज इधर चले। मैंने इसके अगेंस्ट में जो सर आपने फॉर्मूला वीपीए में बताया था उसको मैंने यूज किया, इतना स्लो हो जा रहा है सर कि ये आधे आधे एक एक घंटे तक चलता ही रह जा रहा है। 9 लाख डेटा पे इस्तेमाल करेंगे तो सर स्लो तो होगा ही ना? हाँ सर, 9 लाख डेटा पे इस्तेमाल करेंगे तो स्लो होगा ही सर। हाँ सर, वही वही सर, नो सॉल्यूशन, इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है सर इसका। सर कुछ जैसे कि बड़े डाटा को एक्सेस में कुछ करते हैं तो सर एक्सेस में कुछ ऐसा जैसे फर्स्ट वैल्यू उसमें आ जाए या फिर ऐसा कुछ बने? वैल्यू तो नहीं आएगा, एक मिनट, आपके रिक्वायरमेंट में क्या है? ये आपका क्या क्या नाम है, ये क्या दिया हुआ? टास्क नेम है। तो इसमें टास्क नेम कहाँ है? ये मतलब सर एक ही कॉलम में लिख दिया था मैंने, मैं बड़ा था सर इसलिए कॉपी पेस्ट करते समय एक कर दिया था। आप समझ लिए जो बी था सर, आपके पास तो 2 कॉलम है ना? हाँ, मतलब सर बी का आप 2 कॉलम समझ लीजिए, 3 दे रखा है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सर, जैसे यहाँ पे टास्क नेम है ऐसा ही सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक कॉलम होगा जिसमें सर 3-4 तरह की वैल्यू होंगी, ऐसे क्लास से अदर का एक कॉलम होगा उसमें 3-4 तरह की वैल्यू होंगी। क्या लेना है, सबसे पहली वैल्यू लेना है आपको? ना ना सर, जितनी वैल्यू है सारी वैल्यू लेना है, यूनिक मानिए सर उसमें 4 तरह की वैल्यू है तो मल्टीपल टाइम, लेकिन क्लास ए है अदर है क्लास बी सी है, 3 तरह की वैल्यू है सर क्लास ए अदर कॉलम में, तो वो सर ये 3 जगहों पे ऐसे आ जाए। जैसे टास्क नेम है तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक और कॉलम होगा। हाँ, यहाँ पे कॉलम होगा जिसका नाम होगा टास्क नेम, और उसमें सर जैसे 5 तरह की वैल्यू SMPS FCU इलेक्ट्रिकल वर्क, ये 3 तरह की वैल्यू। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक रेफरेंस नंबर के एक टास्क पे एक ही काम होगा कि रिपीट हो सकता है? रिपीट हो सकता है सर, SMPS भी हो सकता है, FCU भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो सकता है। नहीं नहीं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका रेफरेंस नंबर हुआ, ये आपका टास्क नेम हुआ, तो एक रेफरेंस नंबर के एक टास्क नेम पे ये जो आएगा SMPS एक ही होगा या SMPS भी हो सकता है, SMPS भी होगा और फिर सेम टाइम में FCU भी होगा? सेम टाइम में FCU भी होगा सर। तो वही तो प्रॉब्लम आ गई ना, कैसे आप, क्योंकि दोनों एक सेल पे आप एक सेल की वैल्यू ले सकते हो ना, एक से ज्यादा सेल की वैल्यू कैसे ले सकते हो आप? सर वही समस्या है। तो उसके लिए तो फिर वो बीवी का पार्ट जो कर रहे हैं वही करेंगे, और आपका जो डेटा ए हो रहा है, क्योंकि अगर आप बोलते हैं कि सर मेरे पास ए 5 नेम है, अगर SMPS 2 बार है तो एक SMPS ले ले। हाँ, एक दे दे बस, ठीक है ठीक है। यहाँ पे एक कॉज लग जाता है कि अगर इस रेफरेंस नंबर के इस टास्क नेम पे SMPS भी हुआ और सेम रेफरेंस नंबर सेम टास्क नेम पे FCU भी हुआ, हाँ तो राइट वाले कॉलम में चला जाए, टास्क नेम सी कॉलम में, तो मतलब कि जितने उसके पार्ट होंगे उतने यहाँ पे कॉलम क्रिएट करेगा। हाँ, उतने कॉलम क्रिएट करे। ये
उसमें सर मानिए सर छह तरह की वैल्यू है, ठीक, मेरे को तीन तरह की वैल्यू चाहिए, मैं तीन कॉलम बनाऊंगा और उस कॉलम बनाकर उसका सर हेडिंग ऐसा या फिर उसमें फॉर्मूला या फिर एक्सेस में कुछ ऐसा। समझ गया मैं बात को, लेकिन उसके लिए वही वीवीए वाला जो प्रोग्राम होगा वही प्रोग्राम करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और रिजल्ट भी नहीं आ रहा है सर। वो तो चल ही नहीं रहा है, चलते चलते सर लगभग मैंने सर डेढ़ घंटे तक छोड़ दिया, लेकिन डेढ़ घंटे तक चल ही रहा है, चल ही रहा है। सर 9 लाख देता है ना सर। सर एक्सेस में सर कुछ कर सके या कोई और तरीका हो? एक्सेस में मैं एक्सेस की बात कर रहा हूँ ना, देखिए यहाँ पे रिपीटेशन है ना, रिपीटेड कॉलम नहीं बना पाएगा एक्सेस। कॉलम मैं बना दूंगा सर, वो उसमें फार्मूला लगा दे, जैसे हम लोग जब बिल्ड फंक्शन में जाके फार्मूला लगाते हैं तो एक ही करेगा, एक ही उठाएगा, दो नहीं उठाएगा सर। अभी तक जो मेरे नजर में आ रहा है सो, अब हो सकता है थोड़ा सा रिसर्च करूं तो हो सकता है कोई और आइडिया ला, अभी तो यही आइडिया आ रहा है हमको। सर एक एक्सेस में डी फर्स्ट फंक्शन होता है सर, वो क्या करेगा सर? फर्स्ट ही उठाएगा ना, वही तो बोल रहा हूँ, जैसे वी लुक अप पहली वैल्यू उठाती तो पहली वैल्यू उठा लेगा, दूसरी नहीं उठाएगा ऐसा, उसमें कोई और डी सेकंड टाइप का नहीं होता फॉर्मूला? कहता तो मैं आपको यूज नहीं करता सर। हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बना ले अगर एक्सेस में डी सेकंड, यूजर डिफाइंड तो बात वही हो जाएगी ना, फिर वीवीए इस्तेमाल करोगे ना, जब वीवीए इस्तेमाल करोगे तो फिर वही दिक्कत होगा जो दिक्कत आपको एक्सेस में हो रहा है। अच्छा वो भी स्लो हो जाएगा? अब वीवीए तो हर वीवीए की एक रनिंग स्पीड है समझे सर, वो कंप्यूटर और पीसी पे डिपेंड नहीं करता, वो डेटा पे डिपेंड करता है। ओके समझ गया ना, तो लार्ज ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि एक्सेल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए नहीं बना हुआ है, एक्सेल समरी डेटा के लिए बना हुआ है सर। इसके लिए सीक्वल सर्वर में कुछ हो सकता है सर, लेकिन सीक्वल सर्वर आपके पास तो होगा नहीं? नहीं सर है, मेरे घर वाले लैपटॉप में है एसक्यूएल सर्वर। SQL सर्वर नहीं, मैंने सर MySQL डाल रखा है सर अपने लैपटॉप में। MySQL तो PHP का पार्ट हो गया ना, SQL सर्वर हो गया SQL सर्वर। सर कौन सा वर्जन डालूं सर, क्योंकि नया वाला लेटेस्ट वर्जन तो मिल नहीं पाएगा, पुराना कोई वर्जन बताइए मैं डालूं। उसमें सर उसमें भी मुझे रिसर्च करना पड़ेगा ना, होगा यानी, क्योंकि SQL ज्यादा यूज नहीं किया ना मैंने, SQL तो मैंने स्टडी पर्पस से यूज किया है, कभी काम नहीं किया मैंने उस पे। लेकिन मैं भी मतलब कि मैं भी हो सकता है इसमें, अगर ये होता आपका कि एक रेफरेंस नंबर के एक टास्क के ऊपर एक ही प्रोडक्ट होता तो आसानी से आप ला सकते थे, उसके लिए बीवीए के भी इस्तेमाल जरूरत नहीं पड़ता, आप पिवट के थ्रू बना लेते स्ट्रक्चर और फिर वी लुकअप से उठा लेते। वो तो सही कह रहे हैं सर आप, वो तो समझ गया ना। अच्छा ये बताइए, एक एक काम और कर सकते हैं हम, एक काम और कर सकते हैं, पर कितने हो सकते हैं, पर आप आइडिया है आपके पास? अधिक से अधिक सर क्या कहते हैं, पांच टाइप की वैल्यू हो सकती है अधिक से अधिक। ओके तो एक एक तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है मारे सर, बताइए सर। दो ही है ना आपका? एक तरीका है जो कि मैं आपके जहन में आ रहा है, एक बार मैं देता हूं, मैं इसको एक बार इसकी हटा देता हूं और ऑन करने के लिए भी। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, पिवट एंड ऑफ, हम रेफरेंस नंबर को यहाँ रखते हैं तारीख यूनिक आ जाए, और टास्क नेम को कॉलम में रखते हैं और बी को सब कॉलम में रखते हैं। समझ में आया सर? समझ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सर। इसको बी को मैं यहाँ रखता हूँ काउंट,
अब तो सब टोटल है, मैं इसको राइट क्लिक करके हटा देता हूं। अब यहां आपको क्या करना है कि जिस कॉलम हेडिंग पे वन लिखा हुआ है उस पे उसका क्लास नेम यहां लिखा हुआ है, बस आपका काम हो जाएगा। हाँ रजनीकांत जी, सोच रहा हूँ सर मेरे हिसाब से शायद इसके मैं इसको करके दिखाता हूँ। अब ये हो गया तो पीवर्ड ऑटोमेटिकली वर्क, माने कि पूरे काम के लिए नहीं होता है, मैं इसको हटाता हूँ कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं किसी और शीट पे इसको वैल्यू पेस्ट करता हूँ। कर दिया। अब मैं इसको यहाँ लूंगा एज ए लिंक, मतलब इसमें आप वीवीए भी इस्तेमाल कर सकते हो आसानी से। यहां पे कंडीशन देना है कि इफ अगर ए वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुआ तो क्या करना है, ऊपर वाली जो हेडिंग है इसको ले लेना है, अदरवाइज यहां पे ब्लैंक। ठीक है। अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले B2 के 2 को फिक्स कर देता हूं, बाकी कोई फिक्स करने की जरूरत नहीं, और फिर इसको आगे ये तरफ ड्रैग करते हैं और नीचे की तरफ भी ड्रैग करते हैं। अब इसको कॉपी कीजिए और इसके ऊपर वैल्यू पेस्ट, और इसको डिलीट कर दीजिए। अब आपका रिपोर्ट मोस्टली बन गया है। मर्ज कीजिए और इसको मर्ज कीजिए। इसको डिलीट कीजिए और इसको फॉर्मेट कीजिए। आई थिंक ए रिपोर्ट भी आपका है, सही है। आप बोलेंगे सर आपको दिक्कत यहां पे क्या हो रही है, मर्ज से आ रही है दिक्कत? रजनीकांत जी नहीं ना, मुझे कोई मर्ज से दिक्कत नहीं है सर, मैं तो उसे बार बार भी रिपीट करके लिख दूंगा, बार बार वन टास्क नेम वन टास्क नेम टू करके लिख दूंगा। मर्ज से दिक्कत हो रहा है? हाँ सर मर्ज से दिक्कत हो रहा है, तो मैं इसको पिवट टेबल ऑप्शन में मर्ज को हटा देता हूँ और यहाँ एनालाइज में डिजाइन में शो रिपीट आइटम लेबल कर देता हूँ। हो जाएगा, हो गया सर प्रॉब्लम सॉल्व? यस सर, यस सर। चलिए लड्डू खिलाइए। हाँ सर खाइए। ठीक सर मैं इसे बनाता हूँ सर। अब इसको ऑटोमेट करना आपके ऊपर जाए कि किसको ऐसे ऑटोमेट, बाकियों का समझ में आया नहीं समझ में आया या बाकी सिर्फ देखते रह गए? नहीं सर समझ तो आया, सबको समझ में आया? अजीत समझ में आया? हाँ सर। सर ये वाला फिर YouTube पे चल रहा है या फिर ये खत्म हो गया? नहीं YouTube बंद कर दिया, मैं डाल दूंगा स्क्रीन पर। YouTube बंद कर, एक्चुअली सर नेट इधर नेट प्रॉब्लम है सर, तो वहाँ YouTube में तो अपलोड कर दिए होंगे ना सर? अभी अपलोड कर दूंगा आधे घंटे में। ठीक है, उसका लिंक भेज दीजिएगा सर एक बार। ठीक है, मैं एक बार क्योंकि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो अभी समझ में ज्यादा नहीं दे पा रहा हूँ। और कोई प्रॉब्लम है आपके पास? हेलो, अभी सर करेंटली में सर अभी यही है सर। चलिए, प्रॉब्लम तो कई सारी है लेकिन अभी मेजर प्रॉब्लम यही थी। अभी सर इसके ऊपर वीकेंड में काम करना है
फिर सर जब करना होगा सर फिर पूछेंगे सर आपसे। तो सॉल्यूशन मैं बता दिया, अब आप उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट कीजिए, दिक्कत होगा आप फिर कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक सर, ठीक ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके तो मिलते हैं अगली क्लास में, और कल सेम चार्ट की आई क्लासेस है तो यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड, बाकी लोग जो है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके बाय, सी यू टुमारो। ओके थैंक यू सर।